नहीं रखी नहीं उन्होंने हुआ था। मैदा जो खा खा के फिर से आ गया भी आ गया बेसन पकौड़ों के लिए। चलेंगे ये खजूरें भी आ गई है। पानी के लिए नींबू हमने खुद बनाती हो घर में, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं बना सकती हूँ। मैं ऊपर से रेसिपी सहरी में अंडे, जिसने ना खाए उसने खाए डंडे। नहीं नहीं लेंगे, अगर नौसिक में हम लेंगे तो वो सारा वाली जम जाता है। नहीं वाली लेनी, अगर लेनी है तो ये ले लो, मैं छोटी नहीं लेकिन नहीं नौसी का खराब हो जाएगी। ये देखिए आयशा नाराज हो गई है। अब बड़ी किस्म की शॉपिंग है, कमेंट्स करके बताएं कैसा है। ये रही मेरे रमजान की शॉपिंग लिस्ट का बिल। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूँ आमना और ये है बिलाल और पीछे है आयशा। तो आज हम जा रहे हैं रमजान की शॉपिंग करने, क्योंकि रमजान आ रहे हैं और शॉपिंग करनी पड़ेगी और रेसिपीज भी तो बननी है और आप लोगों को बना के दिखानी है, तो आप लोग अपने घर में बनाएंगे। तो इसलिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ रमज़ान की, और बिलाल को रमज़ान बहुत मोटा कर देना खिला खिला के, और खुद तो मैंने कुछ खाना नहीं है, जो भी बनेगा बिलाल खाएगा। तो बिलाल मेरा नाम बदनाम है। और आयशा, आयशा क्या कहेंगी अपने बारे में? कुछ आयशा क्या खाएंगी रमज़ान में, ज़्यादा खाएंगी कम खाएंगी? कम। तो आप देखना कि रमज़ान में हम स्पेशल चीज़ें कौन कौन सी लेंगे, और बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ऊपर से रमज़ान की शॉपिंग, ऊपर से रमज़ान की रेसिपीज, ऊपर से गर्मी, ऊपर से गर्मी और बहुत कुछ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और टेंशन में हूँ। सब कुछ हैंडल हो जाए, रमज़ान भी अच्छे गुजर जाए और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज भी लेके आऊँ। तो चले चलते हैं, देखें कि आमना क्या शॉपिंग करती है। वो है बड़ी वाली कढ़ाई ऊपर है, इतनी बड़ी है तो बहुत बड़ी है, इसमें ये ठीक है। इसको ऐसी वाली लेना चाहती हूँ मैं, सस्ती वाली। हाँ, सस्ती। कम पैसों की, ज़्यादा पैसों की नहीं। वो पीछे है बड़ी वाली, वो पीछे है इधर, किधर ये एक ही साइज है नीचे, एक ही आ रहा ना। दो छोटी चाहिए थी, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी होनी चाहिए, ले लो फिर यही, तो इतनी छोटी ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ठीक है, 300 रुपये। एक मैंने कढ़ाई ले लिया पकौड़ों के लिए, ऑयल की कम बचत की, क्योंकि ऑयल हमारा ज़ाया ना हो, तो छोटी कढ़ाई कम पकौड़े बनाने के लिए, बिलाल के लिए स्पेशली मोटा करने के लिए। नहीं नहीं लेंगे, अगर नौसिक में हम लेंगे तो वो सारा ऑयल जम जाता है। नहीं वाली लेनी, अगर लेनी है तो ये ले लो, मैं छोटी नहीं लेंगे, नहीं नौसिक ख़राब हो जाएगी। ये देखिए आयशा नाराज़ हो गई है, अब मुझे आयशा का कहना मानना पड़ेगा। आपको पता है आयशा नाराज़ हो जाती है फिर मैं उसका कहना मानती हूँ, और मैं किसी को नाराज़ होते देख नहीं सकती, तो इसलिए मुझे आयशा का कहना मानना पड़ेगा। मुझे एक और कढ़ाई लेनी पड़ेगी, तो ये भी हमने ले ली है आयशा के कहने। ये कैसा है, कितने का? 1900 का। इतना महंगा ले लो। नहीं ले लो, कोई नहीं, नहीं देखते कौन सा लेना, 10 रुपये का लेना है। ये देखो 800 मैंने ढूंढा है, ये 800 का है। हाँ, चलो ये ले लो, इसमें देखिए कितने हैं, ये दो हैं, वाह, एक के साथ एक फ्री, तीन है ये, देखिए ये अच्छा, 700 का नहीं 800 का है, 800 का, 1 रुपये कम, 800 का है। चलो ठीक है, रख दो। प्यारे मग बने हुए हैं, कितने प्यारे बच्चों के लिए स्पेशली। मुझे नहीं लगता कि आज रमजान की शॉपिंग हो रही है,
किसकी हो रही है ये? तो बड़ी किस्म की शॉपिंग है, कभी बर्तन खरीदे जा रहे हैं, कभी कपड़ों की जगह पर आ रहे हैं, आते हैं साल में एक बार, तो उसमें ये सारी चीजें लेते हैं। मुझे आप ये बताओ रमजान में अनमोल के कपड़े कहाँ से आ गए? अनमोल के लिए कुछ देख रहे हो? मैं अभी रमजान की शॉपिंग करो, टाइटल में लिखा हुआ है रमजान शॉपिंग, लोग चले जाएंगे, वीडियो नहीं देखेंगे। रमजान शॉपिंग तो है, लोग वीडियो नहीं देखेंगे। मुझे तो सब पसंद है, सब ले लो, ये बहुत प्यारा है। साइज कितना है कमेंट्स करके बताएं कैसा है ये। चलो ठीक है रख लो। ये देखिए किसी लिहाज से भी रमजान की शॉपिंग नहीं लग रही है। हमने सोचा कि पहले इसको हम गाड़ी में रखते हैं, फिर बाद में रमजान की शॉपिंग करें। yes. और वीडियो भी लंबी नहीं बनाई कि आप लोग नाराज ना हो जाएंगे। yes. कि इन्होंने हमें रमजान की शॉपिंग कहा कि इन्होंने घर की शॉपिंग शुरू कर दी है। yes. इसके साथ फ्री की कोक मिली है, ये आमना पिएगी। आमना नहीं पीती कोक। मैं पी लूँ फिर। सबसे पहले हम कस्टर्ड ले लेते हैं, स्ट्रॉबेरी वाला। ये दो मैंने ले ली, खाने का भी दिल करता है बिलाल का। जब कोई बर्तन है ना आयशा का नाम लगा जाती है खाने की चीज़ का, मेरा नाम। ऐसी बात नहीं है, सब खाते हैं लेकिन मैं मीठा नहीं खाती, आयशा बहुत खाती है। कुछ घर का सामान हमने पहले भी ले लिया है। बनाना ले लें, जाली जाली सारी हैं। चलो अभी करो आप बात, इसमें देसी घी लेना है। आज आप लोगों को पता चल रहा है कि आमना आपकी का फेवरेट है देसी घी, और मैं देसी घी खाती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ ब्रेकफास्ट में। देसी घी खा के भी ये इसकी हेल्थ है। तुम लोग इतना ऑयल नहीं खाती और इतना ऑल इन वन, सब कुछ एक में, कुछ एक में, सस्ते में शॉपिंग। बचत करनी चाहिए, बचत बचत। जिनको ईस्ट का नहीं ना पता वो देख लेंगे, ये होता है ईस्ट। ऐसे बॉक्स होते हैं तो आप लोग ले लेना। गजल स्वीट्स ये देखिए, ये मैं लेती हूँ सुबह सुबह गर्मी ना हो मेदे में, तो इसलिए मैं ये पीती हूँ खाली पेट। निहार जामी श्री बस एक बोतल रमजान में बढ़िया ही लो ना, छोटी गुली है। ये देखिए हमने पागल है रमजान है, छोटी बोतल ले रही है, बड़ी लो, बड़ी लो ना, उधर होगी बड़ी, कभी हो सकता ना हो। चलो बड़ी बोतल रखी नहीं उन्होंने, यहाँ पे दो लेंगे, बड़ी रखी नहीं उन्होंने बोतल, दो लेते हैं। चलो रखो, ये मैदा जो खा खा के फिर से फिलहाल रखना है। थोड़ा थोड़ा आगे भी आ गया बेसन पकौड़ों के लिए, एक किलो ठीक है ना चना चाट के लिए, एक हम ब्लैक वाले लेंगे मेरे लिए, ब्लैक चना चाट खाने के लिए। ब्लैक हुआ है ऊपर होंगे, ब्लैक चना खत्म, ये है ब्लैक चना।
एक ही पैकेट बचा हुआ है। ये सारा सामान हमने नहीं खाना, आपके लिए रेसिपीज बनानी है। सिर्फ आप लोगों की सादी खजूर पसंद है। चलेंगे, ये खजूरें भी आ गई हैं। करेले का पकौड़ा भी खा सकती हूँ। घर में लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं बना सकती, मैं ऊपर से रेसिपी बनाई। सहरी में अंडे, जिसने ना खाए उसने खाए डंडे। तो आज हम अंडे भी लेंगे, तो देखिए ठीक है। सस्ता बटर लूंगी मैं, बड़ा भी है घर में, दो चीज़ है बस, ये बटर ले लिया। सबसे स्पेशल है चीज़, क्योंकि एक गाड़ी में चीज़ों वाली चीज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये रही मेरे रमज़ान की शॉपिंग लिस्ट का बिल, तो ये बिल बन चुका है। ये शॉपिंग मैंने आप लोगों के लिए की है, अपने लिए नहीं की, आप लोगों की रेसिपीज़ के लिए, ताकि आप तक पहुँच सकें और आप अपने घर में बना सकें। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ घर, और घर जाके मैंने शूट भी करना है। तो इसलिए आप चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।